थोड़ा सा वेट करते हैं हम हमारे फ्रेंड्स का और फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग टीचर। त्रिशा राठी, त्रिशा आपने नाम चेंज किया ना, तो मुझे नहीं मैम, वो पापा किस में और मम्मी किस में, दोनों निवम ग्रैंड में थे ना, तो ए मम्मी को लेफ्ट कर दिया उसमें से, एक में से। अच्छा अच्छा पहले आपका वीडियो ऑफ था तो मुझे लगा कि राठी सर कौन है, और जब आपने वीडियो ऑन किया तो मुझे फिर आप दिख गए, तो मैं पहचान गई आपको कि ये त्रिशा ही है, ठीक है? अच्छा कबीर, वीडियो शुरू रखते हैं कबीर। मैम मेरा वीडियो ऑन नहीं होता, क्यों? प्रॉब्लम है। कल तो ऑन हुआ था ना मैम, वो दूसरे ऐप पर ऑन नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करें। अजीम सब, गुड मॉर्निंग, सब लोग आ चुके हैं है ना, और यश जल्दी से एक जगह पे बैठ जाइए। अच्छा हारुणी भी आपके साथ है, ओके। तो स्टार्ट करें, तो आप लोग जहां पे बैठे हैं वहां पे हमेशा की तरह सोचना है कि मतलब देखना है कि कहीं से आवाज ना हो रही हो और थोड़ी सी शांति हो, है ना? और आपका सारा ध्यान आज यहाँ पे हो, सिर्फ निवम, ठीक है? तो जहां पे बैठे हैं वहीं पे अच्छे से बैठना है और हम हाथ जोड़ेंगे। और आज के दिन की शुरुआत करेंगे श्लोक से। तो आप सबको श्लोक आता होगा तो आपको बोलना है, अगर नहीं आता है तो आपको सुनना भी है, ठीक है? और थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करनी है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवसामृता, या वीनावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति भी देवै सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा, निशेष जाड्यापहा, निशेष जाड्यापहा। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? अच्छे हैं मैम, अच्छे हैं। यस मैम,
सिर्फ अच्छे हैं? चल रहे बाहर बैठ। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। स्कूल में नहीं जा सकते। स्कूल में नहीं जा सकते इसलिए अच्छे नहीं है, है ना? हाँ। नहीं तो? नहीं तो फिर अच्छे है। नहीं तो फिर अच्छे है। सिर्फ प्रॉब्लम ये के है कि हम स्कूल में नहीं जा सकते, है ना? हाँ। तो ये भी सॉरी, फिर से बोलिए त्रिशा। ये क्लास नहीं कर सकते, फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल सकते। फ्रेंड्स को नहीं मिल सकते हैं, स्कूल में नहीं जा सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना? जब कोरोना पूरी तरह चला जाएगा तो हम स्कूल में भी आएंगे, अपने फ्रेंड्स से भी मिलेंगे, ठीक है? मैं तो फ्रेंड्स के नाम भी भूल गया हूँ। तो एक मिनट पहले मैं देख लूं सबके कैमरे ऑन है क्या। सबको अपना वीडियो ऑन रखना है, कबीर, केदार, सबको ऑन रखना है। एक मिनट मैं देख लेती हूँ। 72 भी काव्यांश, काव्यांश मैम, अच्छा सुहानी, निकुंज, कृष्णा, केदार, कबीर, जयशील, रियांश, हाँ मैम बताओ, ठीक है। तो मेरा सवाल था कि आप लोग कैसे हो, तो कुछ कुछ लोगों ने इसका आंसर किया है, कुछ कुछ लोगों ने बोला नहीं है। मैंने तो बोला ना मैं अच्छी हूँ। वैसे अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं आज के स्पेशल डे की तरफ। क्या है आज? फाउंडेशन डे। फाउंडेशन डे। स्कूल 10 साल का हूँ आज। स्कूल 10 साल का हो गया? अरे वाह, आपको तो ये भी पता है स्कूल 10 साल का हो गया। तो फाउंडेशन डे का मतलब पता है आपको क्या होता है? बाबा मेरे साल का हो गया वो बर्थडे। निकुंज आपने कुछ बोला था फाउंडेशन डे का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन डे का मतलब कोई खास दिन। मैम हाँ, कामगार दिन। कामगार दिन नहीं, स्कूल का परिचय। मैम मेरे को पता है, मैम उसका मीनिंग मतलब आज के दिन स्कूल बन के तैयार हुई थी। हाँ जयशील, गुड। आज के दिन स्कूल की स्थापना हुई थी, मतलब आज के दिन स्कूल का बर्थडे है। थैंक यू जयशील, बहुत अच्छे से बताया आपने। तो फाउंडेशन डे का मतलब है कि आज निगम की स्थापना हुई है ना? मैम का चांस दिया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आपको आपका माइक म्यूट करना पड़ेगा, जहां से भी बैकग्राउंड की आवाज आ रही है वहां से, ठीक है? यश जल्दी से सेटल हो जाइए, एक जगह बैठी है। तो फाउंडेशन डे का मतलब होता है आज निवम की स्थापना हुई थी, निवम की शुरुआत हुई थी। तो आपको पता है निवम की शुरुआत कैसे हुई थी, किसने की थी, है ना? अगर हम कोई स्थापना करते हैं, कुछ नया शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए पहले प्लानिंग करनी होती है, बहुत सारा सोचना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करेंगे, कैसे होगा। इतने सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, है ना? तो इतने सारे सवाल आते हैं और फिर प्लानिंग भी करना पड़ता है। तो ऐसा क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी सोचना होता है। तो जो निवम है, जो हमारी निवम है, निवम की शुरुआत कैसे हुई और कैसे निवम आगे बढ़ा, इसके बारे में आपको बताती हूँ।
तो निवम की, निवम को आज 10 साल पूरे हुए हैं, है ना, आज 10 साल पूरे हुए, आज निवम का बर्थडे है। जैसे आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हो वैसे आज हम निवम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आरोही, हाँ आपको दिखाना है कार्ड, मुझे पता है, बट थोड़ी देर में दिखाएंगे, ठीक है, थैंक यू। तो निवम की, निवम को सबसे पहले, मतलब निवम, निवम की शुरुआत करने के लिए शुरुआत करनी है, ये आइडिया बच्चे किसका आया, सबसे पहले ये आइडिया आया नीता मैम। नीता मैम को लगता था कि आप जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है उनके लिए एक अच्छी स्कूल हो। अच्छी स्कूल मतलब क्या होती है, बाकी सारी स्कूल भी तो अच्छी से अच्छी है, लेकिन स्कूल ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे खेल सके, कूद सके, मस्ती कर सके और बहुत कुछ सीख सके, बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे आप लोग करते हो स्कूल में वैसे। तो मैम की इच्छा थी कि ऐसा ही मैं एक प्यारा सा स्कूल बनाऊं जहाँ पे मेरे बच्चे, मेरे निवम के बच्चे पढ़ सके और अपने मन में, उनके मन में जो भी विचार है वो अपने मन में जो भी विचार है वो बोल सके। तो ऐसी सोच थी नीता मैम, और उन्होंने तभी सोचा कि नहीं मैं निवम, मैं स्कूल शुरू करूंगी। तो ये उनके माइंड, उनके दिमाग में चल रहा था कि मुझे स्कूल शुरू करनी है। बट स्कूल शुरू करनी है तो कैसे करें, ऐसे नहीं है ना कि आज हमने किया और कल शुरू करें, ऐसे होता है क्या कहते यश, ऐसे होता है कहीं पे मम्मी? यश, यश आप थोड़ा अच्छे से बैठेंगे। तो ऐसे नहीं होता है ना कि आज अगर मैंने बोल दिया कि मुझे स्कूल शुरू करनी है तो स्कूल शुरू हो गई, नहीं होता है ना, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। तो नीता मैम के मन में ये शुरू था कि उनको एक स्कूल शुरू करनी है। तो स्कूल शुरू करनी है तो उसके लिए एक जगह भी चाहिए और फिर स्कूल में टीचर्स भी चाहिए, स्कूल में बच्चे भी चाहिए, ये सब चाहिए। तो मैम के मन में ऐसे ही आया, तो मैम ने सोचा कि चलो सोचते हैं और करते हैं। तो आप जैसे देख रहे हो जहाँ पे हमारी ये निवम है, जहाँ पे हमारी निवम है वहां पे मैम ने निवम शुरू करने का सोचा। तो जब मैम ने सोचा तो यहाँ पे एक ये छोटा सा हमारा हमारा प्रीमाइसेस है, तो यहाँ पे मैम ने सोचा कि मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ। तो मैम ने निवम की शुरुआत की यहीं से। तो उसके लिए पता है आपको, जब स्कूल शुरू हुई, जब स्कूल शुरू हुई तो स्कूल में सबसे पहले सिर्फ 2 टीचर थे। निवम में कितने टीचर्स थे? 2 टीचर्स थे। हाँ यश, सिर्फ 2 टीचर थे। मैं बाद में बताती हूँ आपको उनका नाम, मुझे पता है आप नाम पूछ रहे हो, बताती हूँ, ठीक है। तो निवम में सिर्फ 2 टीचर्स थे, और फिर जब टीचर्स स्कूल में है तो बच्चे भी चाहिए, फिर बच्चे कहाँ से आएंगे। फिर जब सबने, मतलब निवम का नाम जैसे जैसे लोगों तक पहुंचा तो लोगों ने अपने बच्चों को डालना शुरू किया। तो जैसे 2 टीचर के बारे में मैंने आपको बताया, वैसे ही निवम में पहले 9 बच्चे आए, शुरुआत में ही 9 बच्चे आए। तो 9 बच्चे आए तो उनके साथ 2 टीचर थे, और फिर वहां से शुरू हुई निवम की कहानी। और जैसे जैसे निवम में डेवलपमेंट होती गई, जैसे जैसे निवम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया, निवम का नाम लोगों को पता होने लगा, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़े थोड़े दिनों बाद किसी दूसरे बच्चे के एडमिशन हुई, फिर उसके बाद उसके फ्रेंड की एडमिशन हुई, ऐसे निवम का नाम स्प्रेड होता गया। और निवम में अभी आज देखते हो आप के साथ कितने सारे आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, है कि नहीं, आप बोल भी सकते हो। हाँ मैम। हाँ, तो निवम में आपके कितने सारे फ्रेंड्स होते हैं? हाँ है। तो बताती हूँ मैं आपको, शुरुआत ऐसे हुई थी 2 टीचर्स के साथ और सिर्फ 9 बच्चों के साथ। तो लेकिन फिर यहाँ पे भी थोड़े से और एफर्ट्स देने की जरूरत थी, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ नीता मैम ने स्कूल की बिल्डिंग, मतलब नीता मैम ने सोचा तो सिर्फ नीता मैम ने ही किया होगा,
तो कोई भी काम करने के लिए हमें सबका सपोर्ट होने की जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों की मदद लेनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों की सलाह लेनी पड़ती है, तब जाके हम लोग वो काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे हुआ पता है, अनीता मैम के बेटे जो है हार्दिक सर, जिनको आप जानते हो, तो सर के एक टीचर थे नीना अक्का। तो नीना अक्का ने यहाँ पे आके अमरावती में आके हमारे स्कूल में निवम स्कूल में टीचर्स के साथ बहुत सारे वर्कशॉप लिए। बहुत सारे वर्कशॉप लेने के बाद उन्होंने टीचर्स को ट्रेन किया, टीचर्स को बताया कि कैसे होता है और क्या होता है, कैसे स्कूल चलाया जाता है, कैसे बच्चों को सिखाया जाता है, कैसे टीचर्स को डेवलप किया जाता है, ये सारा ट्रेनिंग हमें नीना अक्का ने दिया। तो जैसे मैंने आपको दो टीचर के बारे में बताया, तो वो दो टीचर थे, एक टीचर थे कल्पना मैम और दूसरी टीचर आपको पता है, सोचो कौन? शिरीषा मैम। शिरीषा मैम। शिरीषा मैम। तो ये दो टीचर के साथ स्कूल शुरू हुई थी और 9 बच्चों के साथ। और इस सारे इसमें सबसे महत्वपूर्ण सहभाग था, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थी वो थे नीना अक्का, जिन्होंने टीचर्स को ट्रेन किया, जिन्होंने टीचर्स को बहुत सारे वर्कशॉप्स के थ्रू ट्रेन किया, और उस वर्कशॉप्स के थ्रू निवम में टीचर्स आते गए, और फिर थोड़े थोड़े दिनों बाद निवम में स्टूडेंट्स भी आते गए, और इसी तरह निवम इतना सा निवम इतना बड़ा हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलिए। हाँ मैम हुआ। तो ऐसा था निवम का एक छोटा सा सफर, जहाँ पे मैम की मेहनत रंग लाई, और अभी आप देखते हो कि आपके साथ इतने सारे बच्चे हमारे साथ है, इतने सारे टीचर्स है ना, बहुत सारे टीचर्स है, और अभी तो हमारी न्यू प्रीमाइसेस भी बन रही है, तो वो इतनी बड़ी निवम हो गई ना, और वहां पे काफी सारे बच्चे आएंगे। यस यस, इतनी बड़ी निवम, तो वहां पे भी और बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो बच्चे भी बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो ऐसा ही निवम का एक छोटा सा सफर था, जो नीता मैम ने सोचा था मैं अपने बच्चों के लिए करूं, तो वो शुरुआत की। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि मैम की मेहनत कितनी रंग लाई, और निवम को हमने कहां से कहां तक पहुंचाया। ठीक है, आपको कुछ सवाल पूछना है? कुछ मन में सवाल नहीं है? आपके मन में कुछ सवाल नहीं आ रहे हैं? यश? नहीं मैम। यश 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 मैम, आपने नीता मैम के दिमाग का पहले नीता मैम के दिमाग में क्या था मैम? पहले जो आपके यहाँ पे बच्चे आए थे, उन बच्चों का नाम क्या है? उन बच्चों का नाम, सबसे पहला बच्चा था कृष्णा, कृष्णा भैया, उनकी मैं आपको फोटोज होगी तो मैं दिखाऊंगी। कृष्णा भैया था चाणक्य के इसमें थे ना, वो मोगली के इसमें, वो मोगली वाले थे ना जंगल बुक में, राइट? सही पहचाना, कृष्णा भैया थे, और एक आदित्य करके था, एक वंश मुंदड़ा था, एंड और दो चार बच्चे थे जिनके नाम मुझे नहीं याद आ रहे, बट ऐसे कुछ कुछ बच्चे हैं जिनके नाम मुझे याद है, तो रावी थी, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। मैम मुझे अभी भी मतलब मेरे क्लास में जितने सुहानी, एक मिनट, हाँ सुहानी को पता होगा, सुहानी आपको याद आ रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा याद। और उनमें से एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, ये सुहानी है ना, सुहानी सुहानी, हाँ कृष्णा भैया याद है, सुहानी नाम बता सकते, सुहानी बताइए। मैम मेरी क्लास में रावी थी, और मतलब वंश था, और नेहाल भैया पाठक था। हाँ मैम, तो ये सारी नहीं बेटा,
थैंक यू सुहानी। तो ये सारे बच्चे हमारे साथ शुरुआत में थे, वंश, पार्थ, कृष्णा भैया। और आपको पता है कृष्णा भैया अभी भी स्कूल में आते हैं हम सबसे मिलने, अभी भी वो यहीं पे रहते हैं नीमम के बाजू में, तो वो अभी भी हमसे मिलने आते हैं। तो ये थी हमारे छोटे से नीमम की छोटी सी कहानी। और अभी आपको मैं कुछ फोटोज दिखाती हूँ, ठीक है? आप सबने, आपको सबको पता नहीं है, मैंने तो बता दिया कि नीमम में, नीमम की शुरुआत कैसी थी और नीमम अभी कहाँ तक पहुंचा है, लेकिन इसके कुछ फोटोज है, तो वो फोटोज मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? एक मिनट आपको दिख रहा है पिक्चर, दिख रहा है? दिख रहा है मैम। तो ये है हमारा नीवम द स्कूल, जहां से नीता मैम ने शुरुआत की थी। मैम पहला कौन सा स्टैंडर्ड था? क्या बोल रहे हो बेटा? पहला कौन सा स्टैंडर्ड था? पहला कौन सा स्टैंडर्ड था? प्ले ग्रुप। एक एक करके बोलना है, हाँ, तो मुझे भी समझ में आएगा। बोलिए। हमारी स्कूल की पहले तो ऊपर सेकंड फ्लोर था, उसकी गैलरी तो छोटी थी, अब ये बड़ी कैसे दिख रही? देख, ये सबसे पुराना फोटो है ना? काव्यांश है ना ये? काव्यांश ने पूछा ना? Yes. हाँ, आपको ये गैलरी जो बोल रहे हो, ये सामने वाली गैलरी? हाँ। हाँ, तो पता है आपको, जब हमने यहाँ पे स्कूल की शुरुआत की तो ये ऊपर कुछ भी नहीं था, जैसे अभी हम ऊपर, आप लोग आते हो ना ऊपर डांस करने के लिए, है ना? और ऊपर के दो बड़े बड़े हॉल जो है, ये नहीं था, सिर्फ नीचे का था। तो ये ऊपर का, फिर जैसे स्कूल में बच्चे बढ़ते गए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सिर्फ 9 बच्चे थे और 2 टीचर्स थे, और फिर जब बच्चे आने लगे तो बहुत सारी जगह भी चाहिए, है ना? तो अगर बहुत सारी जगह चाहिए तो स्कूल भी थोड़ी सी बड़ी चाहिए, स्कूल को भी बड़ा करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये आपको जो ऊपर गैलरी दिख रही है, इसके ऊपर हमने ये 2 हॉल बनाए थे, ताकि आप सबको और ज्यादा से ज्यादा जगह मिले खेलने के लिए, बैठने के लिए और पढ़ने के लिए। ठीक है काव्यांश? समझा? हेलो। यस। हाँ बोलिए। अभी यहाँ पे देखिए दूसरा पिक्चर दिख रहा है, आरोही। आरोही आपको ये देखना है बेटा। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे नीवम का फर्स्ट डे जो था, यहाँ पे ओपनिंग था। तो यहाँ पे यहाँ पे लाइटिंग ऑफ लैम्प शुरू है, यहाँ पे है मिस्टर अमितेश कुमार। और नीना अक्का के बारे में मैं जो बात कर रही थी, यहाँ पे स्टेज पे आपको जिनके हाथ में फोन दिख रहा है वो है नीना अक्का, हार्दिक सर की टीचर है वो। दिखे आपको? दिखे? ये कौन है?
कौन सी मैम है? यश। यश आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है क्या? नीता मैम। नीता मैम, नीता मैम, नीता मैम। अच्छा, नीता मैम है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्टेज था, स्टेज बनाया था और वहां पे जैसे हम ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग पे सबको बुलाते हैं, यहाँ पे हमने मिस्टर अमितेश कुमार जी को बुलाया था और नीना अक्का जो थे उनको बुलाया था। और नीना अक्का के बाजू में जो व्हाइट ड्रेस में आपको दिख रहे हैं, जो व्हाइट ड्रेस में आपको दिख रहे हैं वो है कल्पना मैम। जो निवम के दो टीचर के बारे में मैंने आपको बताया था वो है कल्पना मैम। एक टीचर थे कल्पना मैम और दूसरी टीचर को तो आप पहचानते ही हो, शिरीषा मैम। मुझे लगा था कि नीता मैम। व्हाट नीता मैम? वो दूसरी टीचर है, मुझे ऐसा लगा। अच्छा, ऐसा आपको लगा। ठीक है, अभी दूसरा पिक्चर देखें। इतने सारे लोग थे, ये जो ग्राउंड जो आपको दिख रहा है जहाँ पे ये बहुत सारी चेयर्स है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे निवम का लेफ्ट साइड वाला ग्राउंड आपको जो स्टार्टिंग में थे उनको याद होगा कि हम ये बाजू वाला जो ग्राउंड था वहां पे खेलते थे, वो पूरा प्लेन था, वहीं पे हमारी एक्टिविटीज होती थी, वहीं पे हम लोग एनुअल डे करते थे, बहुत सारे प्रोग्राम थे हम वो ग्राउंड पे करते थे। तो ये वाला फर्स्ट इनॉग्रेशन जो है वो वहीं पे हुआ था। तो ये इनॉग्रेशन में देखिए बहुत सारे लोग है, देखिए आपको और ये थे हमारे वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, देखिए। और इसमें से कृष्णा भैया पता है कौन सा है? कृष्णा भैया पहचानते हो आप? वो जो सबसे बड़ा दिख रहा है, जो सबसे बड़े दिख रहे हैं, सबसे बड़े दिख रहे हैं। हाँ, वो है कृष्णा भैया। तो पहले ये लोग थे जो निवम में सबसे पहले आए थे। अरे ऊपर से उड़ रहे भाई, ये क्या है? क्या है? निवम का बर्थडे। क्या लगाया है? दिख तो रहा होगा ना, बोलिए। हैप्पी बर्थडे निवम। अरे वाह, ये कुछ पिक्चर्स है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब हमारे स्कूल में जो भी गेस्ट आते थे आउट ऑफ इंडिया से, जो भी गेस्ट आते थे वो निवम में आते थे और हम उनको निवम के बारे में बताते थे। वो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से भी मिलते थे। माम, माम इसे फॉरेन से थे। यस, और प्रिशा आपको तो याद होगा कि बहुत सारे ऐसे नीता मैम के फ्रेंड्स है और बहुत सारे गेस्ट जो है जो फॉरेन से आते थे और हर बार निवम में विजिट देते थे। हाँ। तो सोहम आपको एक मिनट एक एक करके बोलेंगे तो मुझे समझेगा। सोहम को कुछ बोलना है? हाँ बोलिए बोलिए। मेरे मम्मी पापा फॉरेन से थे। अच्छा, आपके मम्मी पापा फॉरेन से थे कि है? हाँ, है। अच्छा ओके, तो अगला वाला पिक्चर देखे। ये है हमारे नीना का, जिन्होंने टीचर्स के साथ बहुत सारे वर्कशॉप्स लिए और कुछ कुछ वर्कशॉप्स उन्होंने पेरेंट्स के साथ भी लिए। देखिए जैसे जैसे निवम बढ़ता गया वैसे वैसे निवम में बहुत सारे टीचर्स भी आए और बच्चे भी बढ़े।
तो यहाँ पे आपको ये गणेश जी की मूर्ति के पास नीचे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो है हमारे निवम के प्यारे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे मैं को पता है कौन है जो ये जो बैठे हुए हैं सिंहासन पे वो कौन है बताओ? कौन है? लाल बाग के राजा। लाल बाग के राजा है। अरे वाह, आपने तो जल्दी से पहचान लिया। क्योंकि मैं हर दिन जाता है वहाँ। अच्छा, आप हर दिन जाते हैं? हमारे स्कूल का भी वो हमारे स्कूल भी है ना वो गली में वैस। अच्छा, हर तो यहाँ पे आपको हम जाते ही थे। या ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एक मतलब बच्चों को हम लोग जैसे गणेश दर्शन के लिए जैसे गणपति जी बैठते हैं तो हम लोग बच्चों को गणेश जी के दर्शन के लिए लेके जाते हैं जहां जहां पे गणपति जी बैठते हैं वहां वहां पे। तो ये वहां की एक पिक्चर है और यहाँ पे दूसरे पिक्चर में आपको देखो एक छोटा सा क्या दिख रहा है? छोटा सा गाय का बच्चा। छोटा सा गाय का बच्चा दिख रहा है और ये भी हमारे निवम के बाजू में है। जी बोलिए। हाँ बोलिए। लेकिन एक एक करके। हाँ एक एक करके बोलिए। मैम मतलब मेरे घर पे भी काउज है तो फिर उन काउज के भी बेबी बहुत ही प्यारे हैं और मतलब उनमें से एक बेबी अभी एक हफ्ते पहले ही हुआ है। अच्छा, हाँ। तो उसका कुछ नाम रखा है? यस। क्या? स्वीटू। स्वीटू, ओके। यस, अच्छा नाम है। तो चलो आगे देखते हैं और एक पिक्चर जो है नीचे वहां पे कैमल दिख रहा है सबको और उसपे कौन कौन बैठा है? कौन सी टीचर है? देखिए मैम मेरे को पहचान नहीं आ रहा है। मैंने मिला भी है एक टीचर से पर नाम ही याद नहीं आ रहा। तो सोचो ना लंबी। सॉरी काव्या। नाम? हाँ। नाम रीना का मैम? नहीं नहीं, ये ऊंट पे जो बैठा है उसके बारे में बात हो रही है। नीना आपका? नहीं, वो ज्योति मैम है। पता है काव्यांश? ज्योति मैम है और ये कैमल जो है ऊंट जो है ये हमारे स्कूल के सामने से जा रहा था तो सारे बच्चे ना ये ग्राउंड पे खेल रहे थे, नीचे सैंड में खेल रहे थे। तो वो ऊंट वाला आया और ऐसे वो ऊंट को घुमाने लगा तो सारे बच्चे दौड़ के वो गेट के पास चले गए और वहां से देखने लगे। तो फिर पता है नीता मैम ने क्या किया? वो ऊंट वाले भैया को बुलाया और फिर उनको बोला कि क्या आप हमारे बच्चों को यहाँ से वहां तक थोड़ा सा घुमाओगे? तो फिर वो भैया ने बोला हाँ। तो हमने क्या किया वहां पे दो दो तीन तीन बच्चों के साथ एक एक टीचर को बिठाया और स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारे स्कूल का सामने वाला जो रोड है वहां से हमने उन लोगों को ऊंट की सवारी करवाई तो वो सबको बहुत अच्छा लगा। अब ये कौन है यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? कॉटन की रस्सी बनाना। हाँ, ये हम कब करते हैं हम लोग ये? मैम गांधी गांधी जयंती जब होती है तब हम मैम को इनवाइट करते हैं और मैम आके हम सब बच्चों को सिखाते हैं। तो इस तरह से निवम में स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है। यस, दिस टी शर्ट आई हैव नाउ इज। हाँ, अरे वाह, गुड। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स में दिख रहा है ना कि छोटे छोटे बच्चों ने जो इंडिया नाम लिखा हुआ है और वो रंग के टी शर्ट्स पहने हुए हैं। तो हमारा स्पोर्ट्स डे जब होता था तब हम लोग ये टीचर्स प्रोवाइड करते थे और सब के टीचर्स एक जैसे थे और बहुत मजा भी आता था। और कुछ कुछ सेलिब्रेशन जो है यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको शंकर जी बने हुए हैं फिर वहाँ पे पार्वती भी है तो ऐसे छोटे छोटे सेलिब्रेशन भी हम लोग करते हैं। मैम ये भी मुझे याद है। सुहानी जो स्टार्टिंग से है जो शुरुआत से हमारे साथ में है उनको सब याद है। यहाँ पे देखिए
तो मैं एक एक पिक्चर आपको दिखाती जाती हूँ, आप लोग देख सकते हो, ठीक है? ये कहाँ का पिक्चर है? मार्डी रोड। मार्डी रोड। और अगर आपको पता होगा तो हमारी ये छोटी स्कूल अभी इतनी बड़ी हो गई है। मैम मेरे मम्मी पापा इधर से ही रोज रनिंग करते हैं। हाँ तो अभी हम क्या करेंगे? मैम हमारी मारी स्कूल कब बनेगी? आपको काव्यांश आपको दिख रहा होगा ना, ये वही की पिक्चर है, तो इतनी बन चुकी है। हाँ इतना इतना सारा काम वहाँ पे हो चुका है काव्यांश। मैं कल अभी तक बन भी गई होंगी मैम। अरे तो आपको पता है ना लॉकडाउन शुरू है और फिर कभी कभी काम भी रुक जाता है ना? और जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो जल्दी से ऊपर भी बन जाएगा और जल्दी से हम लोग वहां पे जाके पढ़ाई शुरू कर देंगे, है ना काव्यांश? एक्सक्यूज मी मैम। यस यहाँ पे एक मैम खड़ी है शायद। वो कौन सी मैम है? ऐसे कुछ दिख नहीं रहा और कैमरा भी। मैम ज्योति मैम, तो आपको सोचना है वो कौन सी मैम है जिनके हाथ में कैमरा है? ज्योति मैम। नीता मैम। नीता मैम। हाँ नीता मैम है। कहाँ पे मैम? हाँ अगर कोरोना खत्म भी हो जाएगा तब भी हमें मास्क पहन के ही आना पड़ेगा। कोरोना खत्म हो जाएगा तो हम मास्क पहनेंगे कि नहीं ये हम सोचेंगे, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक तो पहनना है, ठीक है? ओके। कहाँ है नीता मैम? अभी तो दिखाया था। दिख तो नहीं रहा। चलो एक मिनट। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको स्कूल में जो सारा डेकोरेशन किया हुआ है वो देखना है, जिस तरह से हमने सजाया है वो देखना है। हाँ तो अभी भरत सर आपको सारी स्कूल दिखाने वाले हैं, जैसे जैसे हमने डेकोरेशन किया है, जैसे स्कूल को सजाया है, तो आप सबको देखना है। हाँ वीडियो ऑन करना पड़ेगा जिनके वीडियो ऑन है। स्कूल जो बनी थी उसकी पिक्चर बताओ। एक मिनट काव्यांश क्या बोल रहे हो आप? स्कूल बनी थी उसकी पिक्चर बताओ ना। कौन सी स्कूल, मतलब मार्डी वाला बोल रहे हो आप? नहीं नहीं वंदर स्कूल जब बनी थी। तो मैंने शुरुआत में बताया ना आपको, स्टार्टिंग में एक पिक्चर बताया और आपने तो पूछा था उसके बारे में कि ऊपर गैलरी इतनी बड़ी कैसे दिख रही है, वही है। वो मारी जैसा बोल रहा, मारी तो आधा अधूरा बाकी वैसा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वैसे आपको ये निवम आधी अधूरी देखनी है। तो काव्यांश आपको पता है तब मैं भी नहीं थी तो इसलिए वो पिक्चर मेरे पास नहीं है, और जब मेरे पास वो पिक्चर आ जाएगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी पक्का, ठीक है? अब मेरी तो चलो अभी हम स्कूल सॉरी अब मेरे मम्मा के मोबाइल में भेजना, ठीक है चलेगा। तो अभी आप स्कूल देखिए, सर दिखा रहे हैं आपको स्कूल, भारत सर स्कूल दिखा रहे हैं, डेकोरेशन जो किया है वो सारा देखना है।
दिख रहा है ये क्या है? क्या होता है बर्थडे पे स्पेशल? गिफ्ट, केक और गिफ्ट होती है। केक दिखा नहीं। और उसपे क्या है? मैम नहीं दिख रहा है। पूरा नहीं, अभी दिख रहा है। नहीं मैम नहीं दिख रहा है कुछ भी। मैम सबको दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। हाँ सबको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। मैं को तो सब आदमी ही दिख रहे मैम। नहीं हाँ दिख रहा है मैम। नो मैम। तो अभी आप लोगों की क्या इच्छा हो रही है? घर से यहाँ पे आना है, केक कटिंग करनी है? किसी को केक नहीं खाना है? मुझे खाना है। तो आपको यहीं से आ करना होगा, मैं आपको खिलाऊंगी। मोबाइल पूरा खराब, डाल देना। मुझे पता है, यश रेडी है, यश आप बिल्कुल रेडी हो। तो अभी हम देखिए क्या कर रहे हैं। मैम ये केक कौन काटेगा? ये केक कौन काटेगा? कौन नीता मैम? कौन दिख रहा है आपको? नीता मैम। मेरा चार और आपकी नीना का मैम। हार्दिक सर। नीना का नहीं, नीना का यहाँ पे नहीं है। नीना का यहाँ पे नहीं है, अभी लॉकडाउन की वजह से हम उनको नहीं बुला पाए ना। तो अगर हाँ, अगर वो आप मतलब लॉकडाउन नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता तो आ जाते थे। तो अभी तो हमारे साथ है बकुल सर, हार्दिक सर और नीता मैम। तो अभी हम क्या करेंगे? बर्थडे सॉन्ग केक कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे वन टू थ्री स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे नीमा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे द लॉर्ड मैम। और संस्कृत वाला भी बिल्कुल लग रहा कि तब हमारी स्कूल बहुत पुरानी हो जाएंगी, तो टूट जाएंगी पूरी। काव्यांश क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलिए। जब हमारे स्कूल पूरी पुरानी हो जाएगी, जब शायद वो पूरी टूट जाएंगी। नहीं ऐसा नहीं होता है, हमारा घर पुराना हो जाता तो घर थोड़ी टूटता है। टूटता है क्या? नहीं फिर चलो अभी नेक्स्ट संस्कृत सॉन्ग आना है। वन टू थ्री स्टार्ट। जन्मदिनमिदं शन्तनोऽस्ते सर्वदामुदं प्रार्थयामहे भव शतायुषी ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमार्जय केवलं सदा भवतु सार्थकम्। हैप्पी बर्थडे निवम, हैप्पी बर्थडे निवम, हैप्पी बर्थडे निवम। थैंक यू। और अभी अभी क्या करेंगे? आप लोगों ने जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे कार्ड्स बनाए थे, छोटे छोटे गिफ्ट्स बनाए थे, किसी ने कुछ लिखा था। हाँ आपको ना थोड़ा रुकना होगा, और भरत सर अभी नीचे गए हैं, और नीचे का जो भी डेकोरेशन है वो आपको देखना है पहले, और उसके बाद में आपने जो बनाया था वो हम देखेंगे। ठीक है? तो कुछ नहीं बनाया। हाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा,
दिखेगा दिखेगा ये दिख रहा है हैप्पी बर्थडे निवम लिखा हुआ बोर्ड मैम मुझे तो नहीं दिख रहा मैम मुझे दिख रहा है थोड़ा वेट करिए दिखेगा मैम मुझे दिख रहा मैम मुझे भी दिख रहा यहाँ पे दिख रहा है आपको मैम मैम हमने पूरे निवम को सजाया है क्या हाँ आप लोगों की ही इच्छा थी ना कि हम निवम को सजाएंगे निवम को डेकोरेट करेंगे कोई कोई ने तो बोला था कि निवम को कलर भी करेंगे बट कलर तो हमने नहीं किया लेकिन अच्छा अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट का मटेरियल जो भी है और जो भी हमारे पास था उससे हमने हमारी स्कूल को सजाया है आपको दिखेगा ही कि कैसे कैसे और क्या क्या किया है देखो अच्छा लग रहा है ना मैम बहुत अच्छा लग रहा है लाइन आ गई क्या मैम कभी हम भी रहते ना तो हम भी मदद कभी कोरोना नहीं रहता था ना तो हम स्कूल में आके भी मदद कर सकते थे हाँ बेटा बट अभी हम कुछ नहीं कर सकते है ना इसके लिए तो जब भी ऐसा कुछ मतलब ये सारा सिचुएशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग सब साथ में आके अच्छे से एंजॉय करेंगे अभी आप देखिए ये सामने वाला स्टैंड के पास जो है परत सर दिखा रहे हैं आपको देखिए कैसे डेकोरेट किया है लाइटिंग लगाई हुई है ना हाँ। ये रात को और अच्छा दिखेगा हाँ मैंने इसका पिक्चर भी तो दिखाया था आपको एक रात में पिक्चर किया था सेम वैसे ही डेकोरेट किया है क्या अभी क्या किसने किया है ये पूछ रहे हो आप नहीं नहीं मैं वो मैं जो बोल रहा है आपने वो पिक्चर दिखाया था ना कि वैसे ही डेकोरेट है हाँ 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 जो मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाया था निवम का सेम वैसे ही डेकोरेशन किया है अभी रात में अलग दिखता है वो रात में अलग दिखता है और अभी धूप है ना थोड़ी सी तो इसकी वजह से आपको लाइटिंग नहीं नजर आ रही है ज्यादा नहीं तो सेम जो आपको मैंने पिक्चर दिखाया था वही है और ये सारे आइडियाज आप लोगों की तरफ से आए मैंने नहीं देखे क्या बताऊं पिक्चर हाँ ठीक है एक मिनट भरत सर आ जाए तो हम दिखाते हैं ये देखो छोटे छोटे बच्चे आज का फीचर किसने लिखा आज का भारती मैम ने लिखा है बोर्ड वाला पूछ रहे हो हाँ अच्छा जगदीश सर ने लिखा है नहीं जो स्कूल के बाहर है निवम सॉरी आई हैव दिस फॉर निवम प्रिशा एक बार फिर से बोलेंगे प्लीज आई हैव मेड दिस फॉर निवम ओके तो एक मिनट आपने जो बनाया है जो कुछ बनाया है कार्ड्स बनाया है ना
किसी ने अच्छे अच्छे ओरिगामी से कुछ बनाया है, तो वो सब भी आपको आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है। तो जिसका जिसका मैं नाम लूंगी तो वो लोग दिखाएंगे, ठीक है? आप किसी के बैकग्राउंड से थोड़ी आवाज आ रही है। हाँ प्रीशा, वीडियो शुरू करना पड़ेगा आपको आपका, तब आप दिखोगे। वाओ, आप प्लीज पढ़ेंगे उस पे क्या लिखा है? वन मिनट, आप पढ़ेंगे उस पे क्या लिखा है? आई लव निवम स्कूल। आई लव निवम स्कूल, ओके। सबको दिख रहा है प्रीशा ने क्या बनाया? दिखा, बहुत प्यारा कार्ड बनाया है और वहां पे लिखा है आई लव निवम द स्कूल। थैंक यू मैम। नेक्स्ट दीक्षांत। मैम मैंने निवम के लिए कुछ बनाया तो नहीं, लेकिन क्या ड्राइंग है? ड्राइंग। अच्छा ठीक है, तो पहले दीक्षांत और फिर उसके बाद मैं आपका नाम लेती हूँ। दीक्षांत, दीक्षांत ने क्या बनाया है? सॉरी दिखा। मैम। हाँ मैम, आई हैव मेड गिटार फॉर निवम। ओह गिटार, और उसपे क्या लिखा है बेटा, वो आपको पढ़ना है। फाउंडेशन फॉर फ्यूचर। ऐसे दिखाइए वो गिटार, ऐसे आपने अभी खड़ा किया था ना, वैसे दिखाइए। वाओ, थैंक यू गिटार बता। अच्छा एक बार फिर से दिखाइए प्लीज, हमको भी बता। थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट निनाद। निनाद, मैम आपका स्क्रीन ब्लैक क्यों दिख रहा है? निनाद आप क्या दिखा रहे हो बेटा? शिवाजी महाराज। वो पूरा नहीं दिख रहा है पिक्चर। सही है। अच्छा हाँ हाँ यस, थैंक यू निनाद। निनाद ये आपने बनाया है? निनाद ये स्केच आपने बनाया है? वाओ थैंक यू, वेरी नाइस। त्रिशा, त्रिशा टूजर तो बताओ ना। मैम यू कॉल मी त्रिशा। त्रिशा, त्रिशा का तो हो गया ना, त्रिशा टी। त्रिशा ने क्या बनाया? त्रिशा A B C D E F G L M N O P Q R S। बोलिए बोलिए। मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। त्रिशा उस पे क्या लिखा है वो बताना है, आपने क्या लिखा है? हैप्पी फाउंडेशन डे। हैप्पी फाउंडेशन डे, ओके थैंक यू सो मच। फ्लावर पॉट है ना? बुके बुके ओके थैंक यू थैंक यू। हाँ अभी जाते हैं आरोही। आरोही एंड यश। आरोही यश निकुंज, निकुंज ठाकुर। मैम आपने क्या बनाया था? मैंने सॉन्ग है। अच्छा तो फर्स्ट हम निकुंज भैया को सुनते हैं सब लोग, ठीक है? यस निकुंज।
One minute, Nikunj. I'll just mute everyone and I'll unmute you. Just a second. Okay, Nikunj, can you unmute yourself? Yes, sir. All right. Now you can play. Thank you very much. Am I audible? Yes. Thank you, Nikunj. Yes. Thank you so much. So. Yes. In the end of the session, can I what? Happy birthday, बजा सकती हूँ piano पे. हाँ हाँ, but अभी थोड़ा सा wait करना पड़ेगा, है ना? रियांश अभी रियांश को पूछते हैं. रियांश ने क्या बनाया है? रियांश बोलिए. मैं मेरे पास कुछ भी नहीं है. मैं कुछ नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है तो आप हैप्पी बर्थडे भी बोल सकते हो. किसी का बर्थडे होता है तो हम हैप्पी बर्थडे भी बोलते हैं ना. मुझे नहीं सुनाई दी क्या? Happy birthday, Nivam. Thank you, Riyansh. Okay, next, Kedar. Happy birthday, Nivam. मैंने तो केदार को आवाज दी. काव्यांश. केदार. Wow. Happy Foundation Day. आपने जो बनाया उसके बारे में कुछ बताइए. केदार आपका वीडियो फिर से ऑफ हो गया. अच्छा शुरू है अभी. मैम मैंने कुछ नहीं, मेरे पिछले लीफ वाले ड्राइंग से कुछ एक पार्ट बच्चे से तो उसमें से लग टिक करके उनको कलर कर दिया बस कुछ ज्यादा. वाओ थैंक यू. नाइस. नेक्स्ट कृष्णा. कृष्णा. यस मैम. आपने जो बनाया है वो दिखाना है या आपको जो बोलना है वो भी बोल सकते हो. हैप्पी बर्थडे नीवम. अगर मैं कृष्णा को बोलूं हैप्पी बर्थडे कृष्णा तो अच्छा लगेगा क्या? कृष्णा मैंने कुछ बनाया ही नहीं है. तो आप हंस के प्यार से और खुशी से बोल सकते हो ना. जैसे मैं बोलती हूँ कभी, मतलब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे कृष्णा, तो उस तरीके का कुछ बोलिए. हैप्पी बर्थडे नियो. अभी अच्छा लगा. नेक्स्ट कौन है? सैफुद्दीन. यस मैम. आपने क्या बनाया है? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं बनाया. हैप्पी बर्थडे निवम. थैंक यू सैफुद्दीन. ओके तो और जिसने जिसने बनाया है वो दिखा सकते हैं. आरोही, यश, आरोही, हेलो
मुझे पता है आरोही ने एक बहुत प्यारा सा कार्ड बनाया है। आरोही आप सुन रहे हो मेरी आवाज? हाँ मैम। तो आपका कार्ड दिखाइए। दिखेगा नहीं। क्यों बेटा? मैम लाइट चली गई। ओ तो आप थोड़ा बाहर आ जाइए, आपके पास फोन होगा ना, थोड़ा बाहर आ जाइए। ठीक है मैम। जस्ट अ मिनट मैम। हाँ हाँ तब तक और कोई शेयर कर सकता है? सोहम, रेशील, सोहम, सुहानी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। आई हैव जस्ट राइट अ स्मॉल पैराग्राफ। So I will read it. सुहानी जब आप बोलना शुरू करोगे ना थोड़ा सा जोर से बोलना है ताकि सबको सुनाई दे, ठीक है? ओके मैम। चले। Happy Foundation Day to Neevam, and I am the first, I think, and at Neevam School, and I enjoy there because it is a very nice school. And happy birthday to Neevam. Thank you so much. Thank you, Suhani. Okay, next. Okay. Soham, Jayashree. हाँ मैं कर सकती हूँ। हाँ प्रिशा बोलिए। मैं कर happy birthday Neevam। आप क्या कर रहे हो, कुछ दिखा रहे हो? सीमा ड्राइंग। काव्यांश वन मिनट। हाँ मैंने प्रिशा का नाम ले लिया है ऑलरेडी, तो पहले प्रिशा की चांस और फिर काव्यांश। यस प्रिशा प्लीज कंटिन्यू। Very nice. I love studying in Neevam. I love studying in Neevam. Okay. Thank you so much. Yes, Kavyansh. कब से वेट कर रहे हो ना आप? बोलिए। क्या दिखा रहे? ओ, आपने तो Neevam ही बना ली। आपने तो इतनी प्यारी बिल्डिंग बना ली है काव्यांश Neevam की, है ना? थैंक यू मैम। यहाँ पे चले क्या पढ़ने के लिए? ये Neevam भी है और मारी भी। मारडी मैम, मारडी भी ऐसी बन रही क्या? हाँ, अब वो पूरा काम होने के बाद वो कैसे बनेगी तो ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो हमने देखा है जैसे बनी है तो मुझे तो लगता है कि आपने तो बहुत अच्छे से बनाई है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस काव्यांश। एंड यस नेक्स्ट, आप में से किसी ने और कुछ बनाया है और कुछ आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो। आरोही और यश का अभी तक मुझे कुछ आवाज नहीं आया। आरोही, और मुझे पता है आरोही ने बहुत अच्छा सा कार्ड बनाया है। आरोही
ओके समर्थ इज हियर, समर्थ है, ओके तो किसी को और कुछ बोलना नहीं है और कुछ शेयर नहीं करना है, कुछ याद आ रहा होगा आपने कुछ बनाया है, और आज अभी प्रिशा ने, प्रिशा को लास्ट मोमेंट पे याद आया कि मुझे कुछ बजाना है निवम के लिए, है ना, गिटार पियानो बजाना है, तो ऐसा कुछ। नेक्स्ट इज समर्थ, तो समर्थ ने भी निवम के लिए एक कार्ड बनाया है जो जो आपको वो सब आप सबको दिखाना चाहता है। 1 मिनट दिखा, क्या लिखा है आपने समर्थ, पढ़िए। हैप्पी बर्थडे निवम, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, द बेस्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। मैम हाँ, आई हैव मेड गिटार सो यू लाइक इट। सॉरी प्लीज फिर से बोलेंगे। मैंने जो गिटार बनाई है वो आपको पसंद आई? बहुत पसंद आई, बहुत 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 ज्यादा पसंद आई। आप सबने जो भी छोटे छोटे गिफ्ट्स बनाए हैं, और सुहानी ने जैसे दो शब्द बोले हैं, और किसी ने पियानो बजाया है, तो आप सबके ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स जो है हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है। एंड थैंक यू सो मच कि इतने से कम समय में, इतने से शॉर्ट नोटिस पे, है ना, आपको तो पता ही नहीं था, लेकिन फिर निवम का बर्थडे है तो सबको सेलिब्रेट करना था, और जब बर्थडे होता है तो हम तो गिफ्ट भी देते हैं, हमें तो गिफ्ट भी चाहिए, केक भी चाहिए, जैसे आप लोगों ने पहले शेयर किया था, डेकोरेशन भी करना है, तो इतने कम समय में हमने इतना कुछ कर लिया। एंड थैंक यू सो मच, ये सब हुआ आप सबके सपोर्ट की वजह से। थैंक यू। और कुछ किसी को बोलना है? आरोही ओके तो अभी टाइम भी हो चुका है, अभी हम क्या करेंगे, अगर आप लोगों को कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हो, अगर नहीं बोलना है तो हम लोग आज यही रुकते हैं, एक श्लोक के साथ हम यही पे सेशन का एंड करेंगे। किसी को कुछ बोलना है और? मुझे किसी की आवाज ही नहीं आ रही है, अगर बोलना है तो हाँ, और अगर नहीं बोलना है तो नहीं। नहीं मैं कुछ नहीं बोलना। थैंक यू केदार। तो अभी सब हाथ जोड़ेंगे। सुहानी और एक श्लोक बोलेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर भवतु, सर्वेषां शांतिर भवतु, सर्वेषां पुनर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांति।
और इसी के साथ हम लोग We will meet on 7 June. Bye. अच्छा हाँ तो डायरेक्टली अभी हम लोग 7 जून को मिलेंगे जैसे निकुंज ने अभी बोला है. हाँ थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज. आपने कुछ बनाया है? हाँ निवम का एन लिखा है मैंने. दिखाइए दिखाइए. इसीलिए तो मैंने पहले पूछा था ना कि मतलब आप लोगों को अगर कुछ बोलना है तो आप जल्दी बोलिए. ठीक है कोई बात नहीं. अरे वाह एन बनाया है निवम का. गुड थैंक यू सो मच त्रिशा. तो ऐसे ही आज आप सबके बोलिए. हरियांश 7 जून को स्कूल चलूंगी तो 3 जुलाई को मेरा बर्थडे. अच्छा उसके पहले आपका बर्थडे है? नहीं उसके बाद जो जुलाई आएगा. अच्छा जुलाई में आपका बर्थडे है. हाँ तो तब हम मिलेंगे ना क्योंकि हाँ तब तो हम लोग मिलेंगे ऑनलाइन ही मिलेंगे और तभी भी आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. आप याद दिला रहे हो आप याद दिला रहे हो कि मेरा बर्थडे है और आपको सेलिब्रेट करना है. मैम मेरा 22 मई पे आता है बर्थडे. मुझे पता है प्रिशा का बर्थडे अभी आ रहा है और बहुत सारी प्लानिंग भी शुरू है. ठीक है सेलिब्रेट विद यू ऑल. सॉरी प्रिशा प्लीज फिर से बोलिए. मुझे आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना है. हम लोगों के साथ सेलिब्रेट करना है स्कूल में आके सेलिब्रेट करना है. तो अगर पॉसिबल हो गया तो हम करेंगे लेकिन ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके बर्थडे तक क्या होता है सिचुएशन क्या होती है तो जाके हम सेलिब्रेट कर सकते हैं. ठीक है ओके सो थैंक यू सो मच. आज के दिन आप सब साथ में थे है सॉरी और सबने बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट बनाए और आज के दिन को बहुत खास बनाया बहुत स्पेशल बनाया. थैंक यू बाय मैम. हैप्पी वेकेशंस एंजॉय योर डे. बाय मैम. बाय 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 मैम. बाय एवरीवन. बाय मैम. बाय.